देख रहे हो सामने से एसी फिट कराना है तो भाई हमको परेशान होना पड़ेगा। सोनू बिना जेसीबी के तो निकलता नहीं है। और ये टोचन भी मजबूत है, क्या खींच पाएगी जेसीबी हार्वेस्टर को? ये ज्यादा फंसा हुआ है। ये देखो ऐसा क्या प्यारी लग रही है। ऊपर हम पंडित जी से बाकायदा राय लेंगे कि आखिर पंडित जी आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुहूर्त देख के बताइए क्या निकल पाएंगे। हाँ पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो इस पर, क्या किया जाए? बहुत जल्दी कर ली, मतलब कल पानी बंद हुआ और आज हार्वेस्टर भाई पंजाब की मिट्टी समझ कर डाल रहा था। ये एमपी है, ये हरदा जिले की मिट्टी तो ऐसी है, फंस गया जो नीचे जाएगा ऊपर आए। ऊपर आने का कोई काम नहीं, अपन भी तो नीचे ही नीचे जाएगा। अपन तो कई बार पंडित जी फंसे अपना का तो ट्रैक्टर हो नहीं निकलता, ये तो फिर भी हार्वेस्टर है। ये एक मंत्र छू करता नहीं होते तुरंत टायर में फू तमाम तो बाहर। गुटका उठका कहीं नीचे पहले रखना कायदा से निकलता, समझ रहे हो सुन? अरे कहीं नहीं, वो तो ये असल लकड़ियों का वेब उनका। तू ऐसी बोलता है पूरी सागुन की लकड़ियों का टायर में झोंक देता है। हाँ पंडित जी देखो देखनो जरूरी है, बिना देखे मन भी नहीं माने। और तू कहाँ से ऊंचाई काटने के लिए फोन कर रहा है? वो तो एक झाड़ गिर रही है उधर, बा मशीन हर रही तो रही भाई। गई पंडित जी तुम्हारा फोन लगाना वाली या की आवाज है। कितना रोमांचक दृश्य, आप चाहे तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। नए बंदे यहाँ पे आके देख रहे हैं आखिर हार्वेस्टर कैसे फंसा, कैसे निकलेगा, क्या करना चाहिए, पूरी राय ली जा रही है। बताओ दो दिन नहीं पंडित जी, ये चार महीना इधर ही रहेगा जो कैसा खिंचाएगा। आज और पानी आएगा तो होगा जैसे ही आराम। दो दिन नहीं पंडित जी, ये चार महीना इधर ही रहेगा जो कैसा खिंचाएगा। आज और पानी आएगा तो होगा जैसे ही आराम। वो भी गड़ान लग गो होगा वहां, वो भी तो जब ही तो के लीन भाग गया बे, उन्होंने कि अभी इधर आनू ही नहीं। A few moments later जैसे भी आ चुके हैं, थोड़ी धूप भी निकल चुकी है, अब इन दोनों को बाहर निकाल ले जाएगा। क्या ये जैसे भी निकाल पाएगा तो खुद फंस गई है। ऐसे तो ट्रैक्टर अच्छा है, कम से कम वहां तक तो चल जाए। अरे जाएगी जाएगी जाएगी, एक टायर उसका उस साइड वाला तो बहुत स्लिप मार रहा, या खुद नहीं फंस जाए। ये तो खुद फंस गई, हार्वेस्टर भी ऐसे ही फंसा तो हार्वेस्टर तो छोड़ के भाग गया। सोनू ऐसा तो ट्रैक्टर अच्छा कम से कम पीछे चल जाए। अरे यार पूरा खल्ला पूरा कैसा अपन बनाए करे। लो जी टोचन तो बंद गया, सरदार जी भी चढ़ गए, और ये टोचन भी मजबूत है, क्या खींच पाएगी जेसीबी हार्वेस्टर को? जेसीबी भी बुढ़ी लग रही, पता चल जाए जही दम तोड़ दे। खींच, ये तो खुद ऊंची नीची होने लगी। अरे हिचारे 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 हिचारे, तो बाद में कल्टीवेटर करके फिर बराबर करना पड़ेगा, तब ये गड्ढे भराएंगे। सही बात है कि नहीं? ये तो खिसल रही यार, देखो कितनी जमीन बेसी हो गई, फिर आगे जाएगी, अभी तो उसको भी निकालेगी, वो ज्यादा फंसी हुई है। जेसीबी तो जेसीबी है यार, जेसीबी ने निकाल दिया, ये खुद से तो निकल ही नहीं पा रही यार, पता नहीं क्यों। चल चल चल, इसकी रेस दे रहे जरा, फिर फंस गई। पूरा जेसीबी के दम पे निकल रहा है, तो क्योंकि स्लिप मारेगा तो नीचे बैठेगा। लो ये टॉप गियर ला ली,
मैं कहा टॉप गियर का गियर खराब है कहीं यार, ये लो ही लो में क्यों चल रहा हूँ। अब तो निकल जाएगा, अब बारी उसकी, ये तो निकल जाएगा, आ गया ऊपर। देखो ये भी सिर्फ सूंड से ही चल रही है बस, बाकी जेसीबी भी सुनो पर बस चल सूंड से ही रही, टायर से तो चल नहीं रही। ये देखो सूंड से ही चलेगी अब आगे, चलेगी तो फास्ट अपने इधर का चल। ये देखो बिल्कुल उससे ही चल रही वो भी, ये ज्यादा फंसा हुआ है। दिखाऊं कितना फंसा हुआ है, ये देखो। बाकी देखो फुल मजा आ रहा है, चक जान दो। ले आई यार, बिना आगे से उठे ले आई इसको तो। खींच ले गई। आ तेरी सोनू, बिना जेसीबी के तो निकलता नहीं है। पर यार उसकी सूंड की एक हाथी बहुत मजबूत है यार। हाँ यार टूट नहीं रही, इतना बड़ा बड़ा हाथी उन खींच रही। इसमें होगा 30 क्विंटल से तो ऊपर वजन होगा हार्वेस्टर में। 30 क्विंटल तो एक पलटे में दीजो रे, तू खब वही दिख रहा यार। और यहाँ की हालत दिखाऊ, ये देखो अब ये ट्रैक्टर से ट्रालियों को बाहर निकालना पड़ेगा। और ट्रैक्टर कैसा निकालेगा, कैसी निकालेगी तो जेसीबी। चार हार्वेस्टर में तो बिल्कुल ताकत नहीं लगा रहे, इससे ज्यादा तो ट्रैक्टर होता तो वो लगाता है। यो तो बस जराक चल जा और स्लिप मारने लगता। और दर्शक दिखाऊं तुमको, ये देखो दर्शक ही दर्शक चारों ओर। चल जेसीबी फोर व्हील होती नहीं तो बस ही खींच लेती। भी निकलता बन रहा यार, आओ यार बिल्कुल नहीं निकलता बन रहा है। दोनों हार्वेस्टर तो निकल गए, वो एक आपत करता करता जा रहा है। अब ये चारों ट्राली का नंबर बोले इनको भी इसी से निकालेंगे। जेसीबी लाए तो इसका कहीं तो फायदा उठाओ, मैंने कहा बात तो सही है, बिल्कुल फायदा उठाओ इसका। अब यहाँ पे पहले ट्रैक्टर से हमको तोता करना पड़ेगा सूखने के बाद, उसके बाद में फिर रोटावेटर, जब जाके ये बराबर होगा लेवल। देखो निकाल पाएगी कि नहीं, मेरे को नहीं लगता यार। ये जो टेढ़ी खड़ी है इसको कैसे निकालेगी बेचारी जेसीबी, इसका भी दम ही निकाल रहा है। जान दे। देखो खूनी संघर्ष जारी है, हम तो भैया कीचड़ में से निकल के बाहर आ गए। मैंने सोचा कहीं हम फंस गए तो ज़्यादा आफत हो जाएगी, बाकी अपन निकल लेते हैं यहाँ से, फिर निकलेगी ना तब दिखूँगा। खूनी संघर्ष जारी है बाकी। जेसीबी फेल हो गई निकालने तो बाद में 855 से ही निकालना पड़ेगा। हार्वेस्टर तो निकाल लिए दोनों। ये दो भी जाने लगे, इस वाले का ब्रेक नहीं लग रहा, पर ब्रेक में समस्या। दोनों ट्रालियों को निकाल रहे थे, ये तो भाई देखो वो नहीं निकाल पाए। मैंने पहले ही बोला था कि ये नहीं निकलेगी जेसीबी से, तो वो नहीं निकल पाए, उसको फेंक और दी। बाकी अभी हम जा रहे थे इससे, इसका वो खोल दिया हमने पीछे वाला सिस्टम, जो दाना अपना पटक के आया था ना, वो अब लेने जाएंगे हम इससे। साथ में एक चीज़ और दिखाऊं, अपनी जो बार लाइट है वो मैंने लेके आया PJS की, जो सेम 735 में लेगी, उसका लाइट इतना तगड़ा है ना। अब इसमें करेंगे भाई तगड़ी वाली फिटिंग। तो देखो या तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपने को यहाँ पे नहीं लगाना, अपने को नेक्स्ट लेवल वाला काम करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और इसमें अभी थोड़ी सी दिक्कत भी आ गई थी, ये वाला देख रहे हो टेढ़ा है, इसको मैं एक बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, गिर गई थी हाथ से, तो यहाँ से थोड़ा सा इसका सिस्टम हैंग हो गया। बाकी इसको हम यहाँ पे ऐसी कुछ फिट कराने वाले हैं, ऐसी कुछ। अब अगर इसको ऐसी फिट कराना है, देख रहे हो सामने से, ऐसी फिट कराना है
तो भाई हमको परेशान होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। सुबह की परेशानी ये थी, इस चक्कर में हम काम कर नहीं पाए। अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 5 बज गए, तो अभी फटाफट से चलते हैं, इसको भी लेके चलता हूँ और अपना वो भी फंसाता हूँ वहाँ से, अपने को थोड़ा सा और सामान लाना है, और ये बच्चा खेत देखने की बोलेगा तो खेत तरफ भी चलेंगे, लेकिन पहले इनको फिट करवा लेंगे, उसके बाद में ले भैया इसको पकड़ो, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, कभी तुम ठोक ठाक दियो। ये भोपाल जाएगा कल, सुनो तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भोपाल का टेंशन नहीं, टेंशन ले चल जा यार, कोई 3 महीना ट्रैक्टर को कहीं टेंशन धरन है, वो भी तो थोड़ी खोलो मुझे मत, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी ये सेम जो दिख रही है ना, ये सेम जो लाइट, क्योंकि इसका लाइट बहुत तगड़ा है, नीचे वाली से भी ऊपर वाली का तगड़ा है, जो उस मॉडल की लाइट होती है ना उसका लाइट बढ़िया है, इसलिए मैंने सेम वही वाली लाया हूँ, ताकि वो बढ़िया ऐसे लाइट दे पाए और यहाँ पे लग पाए। मनु बाहर लाइट उठा ही लीजिए, और ये सिस्टम भी अपना लग गया इसके पीछे, और तो बहुत ऊपर उठा ही रहो, तो कहना है कि कपड़ा लपट लेता हूँ तो यहाँ पे बाहर लाइट फूटेगी नहीं, मन की इतना सा कपड़ा सकाई हुई रो, बस ही पकड़ ले तू, वजन नहीं लगा को, बहुत नखरा यार थारा, सीधी सी बता थारा फाटक खोलना का मन है कि नहीं, इसकी रेस थोड़ी सी और मेरे को 6 पे करना पड़ेगी, मैंने बिल्कुल स्लो रेस कर दी, कोई बात नहीं। और ये जो जुगाड़मेंट लगाया इससे दिक्कत ये है कि रेस ये वाली बहुत टाइट चल रही है, देखो कितनी टाइट हो गई, या तो मैं उसको निकाल के फेंक दूंगा, दूसरा सिस्टम बनाएंगे कुछ। इतने तगड़े रिएक्शन थे ना, मैंने वो PCR भी चालू कर दी, लेकिन ये शर्म का कारण नोट नहीं कर पाया रिएक्शन, और तू भी तू हाँ इसके नाम के भाई नट लेके आते हैं अब वहाँ सामने से है? तो तूने ढीलो थो वो, ये देखो ये दो नट लिए गाड़ी का नीचे नहीं जो यार, वही पैशन प्रो का नीचे। अभी एक भाई मिला, वो अपनी कैनोपी को देख के बोल रहा है, 1 मिनट तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाली जो है ना सिंपल मॉडल, इसको देख के भाई बोल रहा है यार तुमने बहुत प्यारी ले ली, मैंने तो लाइट वाली लेके फंस गया, बोले इतनी बेकार लग रही वो, ये ज़्यादा प्यारी लगती है, बताओ। वो तो अपनी अपनी पसंद है, खैर ये देखो ऐसा क्या प्यारी लग रही है, अब 1 नंबर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा काम करते हैं, ये तो तुम्हें कल दिखूंगा पूरी, तू ही चला गई अब, चलाना वाली बात नहीं है, चल तो नहीं तू ये जो सीट पर बैठ जाए नहीं बार बार। ये देखो भाई साहब यहाँ से कुछ ऐसी लग रही है भाई, तो मार्केट में ब्लॉग बनाने में सब आदमी मेरे को ही देखते हैं कि कौन बड़ा सा ब्लॉगर आ गया, इसलिए घर जाके मिलेंगे, बाकी लग बहुत प्यारी रही है, 1 नंबर। जनता की नज़र सब सोनू पर, सोनू तारक शर्म तो नहीं रहो, खेत में का ही देखा वो, अरे इधर बोरी रख ले, नहीं तो बस खुदा को खा ली। अरे यार मैं लड़ी पड़ा करे दो ही मिले, तो भाई जैसा कि आपको पता है अपनी बार लाइट हो गई फिट, एक बार तुम्हें बार लाइट दिखा देता हूँ, और उसके बाद में इसकी वायरिंग आयरिंग तो करेंगे सुबह, मेन इसकी फिटिंग थी, अब वायरिंग तो अपना घर का काम है, अपन कभी भी कर देंगे, फिटिंग हो गई इसकी प्यारी कैसे हुई, तो ये देखो यहाँ पे दो हमने 13-13 नंबर नट डाल दिए दोनों साइड, और यहाँ पे ये पत्ती अपनी वेल्डिंग करा दी, इसमें थोड़ा सा और हमने जॉइंट लगाया ताकि ये थोड़ी सी नीचे रहे, दूर से भी तुमने इसको देख ही रखी है, ये देखो भाई साहब ये, बाकी या तो अपन ऐसा करेंगे कि या कल इसकी वायरिंग कर लेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि इसके जो पीछे के लाइट है वो अगर मेरे को कल मिल जाते हैं तो अपन कल पीछे के लाइट भी लगवा लेंगे, फिर साथ में पूरी वायरिंग कर देंगे। और रही बात इसकी, मैंने जो रेस की खोल के रखी थी, बहुत से भाई बोल रहे थे कि इसको ऐसा मत खोल के रखो, तो देखो ये भाई आपके ऊपर है, इससे इंजन का नुकसान होगा
होगा ही, मतलब अगर तुम ऐसा करोगे ना तो इंजन के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे टेस्ट के लिए करा, मैं इतना ज़्यादा इसको भाई यूज़ नहीं करता इतनी रेस पे, यहाँ से मैं इसको हटा भी दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। बाकी इंजन में भाई देखो आपकी दिक्कत आ सकती है अगर आप इतनी रेस पे इसको चलाओगे, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं आती तो कंपनी आपको कभी भी वहाँ से लॉक करके नहीं देती। वो तो यही चाहेगी ना कि मेरा ट्रैक्टर ज़्यादा भागे, लेकिन ज़्यादा भागेगा तो उसमें नुकसान होगा, सारी चीज़ें उसकी तेज़ चलेगी, और ये भागने के लिए नहीं बना, ये खेत में काम करने के लिए बना है, इसलिए ये होता है। बाकी आज की वीडियो में थोड़ा इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय राम जी की। लाइक करना ना भूलें।